अब बहुत लोगों को एक और रूल आज मैं सिखाने वाला हूं, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी, इसका फुल फॉर्म है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसको आप बोली भाषा में एनआरवी नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब मतलब क्या है, अगर आपको दिया गया है सम में कि क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है 10,000 और इसकी मार्केट प्राइस है, ये बिकेगा, मार्केट प्राइस मतलब ये बिकेगा 15,000 में, तो आप क्लोजिंग स्टॉक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने पे रिकॉर्ड करोगे, 10,000 की 15,000? 10,000। ओके, 10,000 की 15,000, 10,000। चलो आप बोल रहे हो ये सही है, लेकिन क्यों 10,000? क्योंकि सर आपने रूल लिखा है लोअर वैल्यू, लोअर तो आपने बोला इसके लिए है, लेकिन ये रूल क्यों है? क्योंकि बिजनेस कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करता है। देयर इज अप्रोच बाय द नेम ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म ये अकाउंटिंग कंसेप्ट है, इसको प्रूडेंस भी बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। अब ये कंसेप्ट या ये अकाउंटिंग कंसेप्ट या अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस का बोलना है, ध्यान से सुनो बच्चों क्या बोलना है, बोलना है प्रोवाइड फॉर ऑल नोन एक्सपेंसेस बट नॉट फॉर प्रोबेबल गेन्स। जो ऑल प्रोबेबल एक्सपेंसेस हो सकते हैं उसके लिए तैयारी रखो, लेकिन जो ऑल प्रोबेबल गेन्स होंगे उसको हाथ से पकड़ के मत चलो। खर्चे हो सकते उसको हाथ से पकड़ के चलो, ध्यान से समझो, आगे जो खर्चे आ सकते उसको हाथ से पकड़ के चलो, लेकिन आगे जो इनकम आ सकता है उसको हाथ से कंसिडर करने की जरूरत नहीं। आ सकता है, आने वाला है नहीं, जहां 50-50 चांस है, आने ही वाला है इनकम, वो आप पकड़ के चलो। जैसे आपकी फीस अभी मैंने पढ़ा दिया तो आने ही वाली है, तो वो प्रोवाइड करनी है, लेकिन आ सकते हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करते हैं। आपका बर्थडे अगर आने वाला है और आपको मालूम मुझे पार्टी देने पड़ेगी दोस्तों को, चांसेस है कि देनी पड़ेगी, तो आप क्या करते, पॉकेट मनी से पैसे बाजू में निकालना चालू करते क्या? हाँ, आपको पापा ने बोला मैं पार्टी का पैसा देने वाला नहीं 1 रुपया भी, तो अब आप क्या करेंगे? खुद के पॉकेट मनी से थोड़ा 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 पैसा साइड में निकालने लगे, बराबर। आपको ये भी मालूम है आप पैर पड़ोगे तो शायद आपको पैर पड़ने के पापा 500 देंगे, मम्मी 200 देगी या दादी 500-1,000 देगी, ये आपको आइडिया है, लेकिन क्या आप वो पैसा पकड़ के चलते क्या पार्टी में टोटल करने के टाइम? नहीं, आपको ये गारंटी नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डाउटफुल है, डाउटफुल है। तो प्रोबेबल गेन्स की तैयारी रखी क्या आपने? नहीं। लेकिन प्रोबेबल खर्चों की तैयारी कर ली क्या? अब इसका और एक पॉइंट बच्चों में इंटरेस्टिंग तरीके से आपको और बता, आप देखो जनरली जिनके घरों में लड़की होती है, अब ये सी ये अपना क्या बोलते समाज ऐसा, इसके लिए अभी इसको छोड़ दो, लेकिन ये कंसेप्ट सही है कि नहीं आप बोलो। लड़की होती है तो बेचारा बाप जैसे ही लड़की पैदा हुई उसकी शादी के लिए थोड़ा थोड़ा करके पैसे जोड़ने लग जाता है, जोड़ता है कि नहीं? खर्चा करना, जिसको गारंटी लड़की भाग के जाने वाली वो नहीं करते, लेकिन जनरली जिनको मालूम है मेरे को शादी करने पड़ेगी वो बेचारा जोड़ने लग जाता है थोड़ा थोड़ा करके। ओके, बट नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिनके घर में लड़का हुआ है उनको चांस है कि चलो लड़की वालों से कुछ आए, तो अगर ऐसा हुआ कि भाई बड़ा लड़का है और छोटी लड़की है, तो बाप ऐसा बोल सकता है कि नहीं यार लड़के के शादी में जो आएगा वो लड़की की शादी में दे दूंगा, मैं कोई प्रोविजन करने नहीं वाला? नहीं, करता क्या बाप? नहीं सर, नहीं कर सकता। नहीं, क्या करता है, लड़की के लिए जो खर्चा करना उसकी तैयारी अलग से करता है, लड़के की शादी में जो आएगा नहीं आएगा वो छोड़ दो। व्हाट इज ही डूइंग, इज फॉलोइंग कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, जाने वाले खर्चों की तैयारी आज से करके रख रहा है, आने वाले इनकम की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबल, प्रोबेबल ये वर्ड का बहुत बड़ा मीनिंग है, प्रोबेबल, प्रोबेबल का मतलब है मे और मे नॉट, चांसेस,
श्योर शॉट है वो रिकॉर्ड ही करना है जो होना ही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने फॉर एग्जाम्पल खाना खा लिया होटल में, अब पैसा देना पढ़ने चाले तो वो प्रोबेबल नहीं, वो श्योर शॉट खर्चा है. हम कौन सी चीज की बात कर रहे हैं, प्रोबेबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता तो जहां इसे प्रोबेबिलिटी है वो खर्चों का रिकॉर्डिंग करना है लेकिन इनकम का रिकॉर्डिंग नहीं करना. तो ये कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है भाई, कॉस्ट पे बताओ मार्केट प्राइस पे बताने की गरज नहीं है. ओके, विच एवर इज लोअर. अब अगर ये सिनेरियो रहा तो अब मेरे को बोलो, कॉस्ट 10,000 है, मार्केट प्राइस 8,000 है, 8,000 आपने बनाया खरीदा कितने में, 10,000 लेकिन भाव गिर गए. जैसे सोने का हुआ बीच में देखो, 50-55 हजार रुपए तोले वाला 45,000 रुपए पे आ गया, बराबर. मैं ज्वेलर हूँ, मैंने 50,000 रुपए तोले से सोना लिया था, 45,000 आ गया, तो मैं स्टॉक में 50,000 से बताऊँ की 45 से बताओ, 45 से बताना पड़ेगा. लेकिन ऐसा क्यों, मैंने कहा बेचा है, मेरे पास तो स्टॉक में पड़ा है, आगे जाके भाव बढ़ जाएगा तो मेरा तो प्रॉफिट हो ही जाएगा. गारंटी तो भाव बढ़ेंगे. इस साल क्यों बता रहा हूँ मैं कम पे, आगे की प्लानिंग करने के लिए. क्या आगे की प्लानिंग करने के लिए? अगर प्रूडेंस, प्रूडेंस क्या बोलता है, प्रोबेबल लॉसेस अगर है, लॉसेस है तो आज बता दो, प्रोबेबल लॉसेस अगर है तो आज बता दो, ये प्रूडेंस बोलता है. तो ये जो 10,000 की चीज 8,000 में बिकने वाली है तो ये जो लॉस होगा वो अगले साल होने वाला है. क्लोजिंग स्टॉक इस साल का, ये बात देखो अभी एक, चलो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ऑल ऑफ यू हैव अ लुक एट इट. ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, यह आपने इस साल बाय क्लोजिंग स्टॉक बता दिया 10,000, या इस साल 10,000 बता दिया, तो अगले साल में क्या दिखेगा, ये अगले साल के ट्रेडिंग में अगले साल ग्रॉस लॉस होने वाला है 2,000, बराबर. Yes, sir. Yes, sir. मेरे को मालूम है अगले साल प्रोबेबल है, अगले साल लॉस होना है. Yes, sir. तो मैं उसको इसी साल रिकॉर्ड कर देता हूँ. कैसे, इस साल मैंने क्लोजिंग स्टॉक कितने पे बताया, 10,000. आप बोलो सर इससे लॉस कैसे होगा, चलो लेटेस्ट टेक पर खर्चा कैसे, लेटेस्ट टेक 2 purchases 20,000 बाय सेल्स, ये सेल्स ऊपर दिखने चाहिए थे, मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने वैसे ड्रॉ नहीं किया, बाय सेल्स से 25,000. अब आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 5,000. मैथ्स आता है क्या, 15,000. टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिख रहा है ऑल ऑफ यू, 15,000. अब अगर मैं ये अगले साल को होने वाला जो वैल्यू का मैं इसी साल कर देता हूँ 8,000, तो अब मेरा प्रॉफिट कितना दिखेगा, 13,000. पहले 15 दिखने वाला था, अब कितना दिखेगा, 13,000. यानी आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया. शॉर्ट आपने 2,000 का लॉस जो अगले साल होने वाला था वो कौन से साल में बता दिया, इस साल. कंफर्म है कि अगले साल हमारा लॉस होगा, वापस कंफर्म नहीं है, वर्ड क्या यूज किया मैंने, प्रॉफिट. एक बात बता, एक लेडी, चलो अभी मैं एक मिनट,